नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। आबकारी अधिकारी आरपी किरार ने कहा कि शराब पीने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में टीकाकरण की गति बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग अपने स्तर पर कर रहे हैं। कई जिलों में खाद्य विभाग ने टीका नहीं तो राशन नहीं का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवाने वालों को ही शराब मिलेगी। जिला आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर शराब दुकान संचालकों से कहा है कि टीका लगवाने की जानकारी लेकर ही शराब बेचें। जिला आबकारी अधिकारी आरपी किरार ने कहा कि शराब पीने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मध्य प्रदेश में टीकाकरण की गति बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग अपने स्तर पर कर रहे हैं। खंडवा जिले में नगरीय क्षेत्र में टीका न लगवाने वालों को शासकीय योजनाओं से वंचित करने की मुनादी भी कराई जा चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को 10 माह हो चुके हैं, इसके बाद भी अब तक पहली डोज 100% लोगों को नहीं लग सकी है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण को लेकर मध्य प्रदेश में लोग अब कितने गंभीर हैं, इसका ताजा उदाहरण यह है कि यहां बुरहानपुर जिले में कोरोना टीका नहीं तो शादी नहीं। दरअसल देव प्रबोधनी एकादशी से मंगल कार्य प्रारंभ हो गए हैं, अब विभिन्न समाजों के सामूहिक विवाह आयोजन भी शुरू हो रहे हैं। ऐसे आयोजनों में हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। इस भीड़ को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बुरहानपुर में गुर्जर साली सकल पंच समाज ने बगैर वैक्सीनेशन के वर या वधु को विवाह की अनुमति नहीं दी है। गत दिवस शिकारपुरा स्थित जहवेश्वर मंगल भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दो जोड़ों को कोरोना रोधी टीका न लगने के कारण सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने से रोक दिया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।